हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन का हॉल, जिसमें कुछ चीज़ें जो है हमारी ब्यूटी से रिलेटेड हैं और कुछ हमारे फैशन से रिलेटेड हैं। तो समर की शॉपिंग करना तो अब ज़रूरी हो ही गया है, समर्स आ ही गए हैं। अब तो जो वो बारिश वाला मौसम था वो भी ख़त्म और प्रॉपर वाली गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। समर रिलेटेड कुछ स्टफ़ मैंने और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ऑर्डर किया है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बट हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो कोलैबोरेशन है MHS के साथ में, यानी माई हॉल स्टोर के साथ में। तो उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी आपको पसंद आता है तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ ड्रेसेज हैं, कुछ प्रॉपर सूट है, कुछ टी शर्ट वगैरह हैं जो हस्बैंड ने अपनी पसंद से ऑर्डर करी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सीरम ऑर्डर किया है, जो कि लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम है। तो ये मैं पहले लगाती थी, बीच में मैंने स्विच कर लिया था, अभी फिर से मैं इस पर स्विच कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ ना करके बीच में एक बार गैप या ब्रेक देना चाहिए। तो अभी मैं ये वाली सीरम फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद गर्मियों का सबसे हमारा भरोसेमंद और सबसे कहते हैं मस्ट साथी, वो यही है सनस्क्रीन। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली न्यूट्रोजीना का यूज़ करती हूँ, या फिर अभी मैंने जो नया एक्वालॉजिका का लगाना स्टार्ट किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वो मेरे पास अभी रखा हुआ है, एक ये मैंने ऑर्डर किया है, वो ख़त्म होने की कगार पे है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है गर्मियों में आपको यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड के लिए एक मैंने ये फेस वॉश मंगाया है। जनरली हस्बैंड लोग के लिए उतना फेस वॉश आता नहीं है, जो हम लोग यूज़ करते हैं वही वो लोग भी यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे मेन सेक्शन में ये अवेलेबल था, तो मैंने कहा चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये विलन का चारकोल अल्ट्रा हाइड्रेटिंग क्लिंजर है, डर्ट एंड डस्ट को डिटॉक्स करने के लिए ये वाला। तो देखते हैं कैसा वर्क करता है, मंगाया है तो एक बार ट्राई करके देखेंगे। ब्यूटी के बस ये तीन आइटम ही थे। उसके बाद मैंने मंगाई है ये बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल सी शर्ट, जिसको आप अपने ऑफिस वगैरह में भी कैरी कर सकते हो और यूं भी ऐसे पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ढीली ढाली सी शर्ट्स हैं। और एक तो इनकी स्लीव्स भी पूरी हैं, क्योंकि गर्मियों में हम लोग शरीर को ढक के रखना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कपड़ा कंफर्टेबल ढीला ढाला हल्का कॉटन का हो तो ना ही गर्मी लगती है, और ऊपर से शरीर पे आपको थोड़ा ढका रहता है, और सन की रेज से, जो हार्श रेज होती है, उनसे हम बच पाते हैं। बहुत ही प्यारी प्रिटी सी ये शर्ट है, कलर भी काफ़ी डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, तो बड़ा अच्छा कलर है और बहुत ही कंफर्टेबल इसका कपड़ा भी है। तो ये एक शर्ट मैंने ऑर्डर करी है। और इसके बाद एक यहाँ पर मैंने दूसरी शर्ट ऑर्डर करी है, और ये भी कुछ ऐसा कलर है जो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। इसे आप शर्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको शॉर्ट कुर्ती भी बोल सकते हो। ये इस वाली शर्ट से थोड़ा सा लंबी जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्लीव्स हैं, जिसपे ये फोल्ड वाला ऐसा कुछ पैटर्न दिया गया है। वी इसका नेक है, बहुत ही प्रिटी, बहुत प्यारा सा कलर है, और कपड़ा बहुत ही हल्का ठंडा और कंफर्टेबल, जैसे ये है ना सेम ऐसा ही इसका कपड़ा है। तो ये ऐसे कपड़े ना गर्मियों में सच में बड़े अच्छे रहते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए मंगाई हैं दो ड्रेसेस, जो कि एकदम लाइट हल्के कपड़े में है। पहली ड्रेस है ये ए लाइन, बहुत ही प्रिटी सी, बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है, और इस टाइप का कुछ घेर टाइप का इसकी जो स्लीव्स होती है ना, छोटी छोटी स्लीव्स हैं, और बहुत प्यारा सा ऐसे घेर है। और ये वाला जो फैब्रिक है ना, बहुत ही फ्लोई होता है, और इतना गर्मियों में ये अच्छा लगता है ना, एकदम फ्लोई फ्लोई सा, इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, और बहुत ही प्रिटी सा कलर एंड पैटर्न है, फ्लावर पैटर्न है। उसके बाद दूसरी जो मैंने ड्रेस मंगाई है ये भी फ्लावर पैटर्न में ही है। ये है जॉर्जेट में, और ये भी ब्लू एंड फ्लावर पैटर्न में ड्रेस है। बहुत ही प्रिटी, बहुत प्रिटी ड्रेस है ये, इस तरीके से फ्लेयर पैटर्न में। कुछ इसका जो बॉटम है वो है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। उसके बाद दो प्रॉपर मैंने कुर्ता दुपट्टा एंड प्लाजो का सेट मंगवाया है, और इनके जो कलर्स हैं वो प्रॉपर समर वाले कलर्स हैं, बिल्कुल लाइट पीच ग्रीन पिंक, एकदम लाइट लाइट से, एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन में ये जो कुर्ता है ये है, ये है कुर्ता जिसपे वी नेक है, और यहाँ पे पूरा बॉर्डर से इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही फ्लोरल एंड
बहुत ही समरी वाइब है इसमें। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स मिलती हैं आपको जो 3/4 है, और ये जो चीज़, ये जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इसको थोड़ा नॉर्मल कुर्ते से हटके बनाता है और बहुत ही प्रेटी लग रहा है ये। और इसमें ये जो दो कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किए गए हैं ना, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये एकदम प्रॉपर ऐसे कुर्ता है। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको मिलते हैं प्लाजो पैंट्स, जो कि मुझे बड़े ही प्रिटी लगे। इन पे ये जो धारी वाला पैटर्न है ना, ये बड़ा प्यारा है। ये धारी का पैटर्न ना इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। देन जो दुपट्टा है वो ये है, आपको ये फ्लावर फ्लावर वाला दुपट्टा मिलता है। तो ये कुर्ता तो मेरा मोस्ट फेवरेट फेवरेट कुर्ता लग रहा है मुझे। इसका जो मटेरियल वगैरह है वो भी काफ़ी सॉफ्ट एंड अच्छा है, समर फ्रेंडली है, और कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं। साथ ही जो पैटर्न वगैरह यूज़ किया गया है नेक पे या स्लीव्स पे, वो इसको एकदम डिफरेंट बनाता है। सिंपल कुर्ता लेकिन बड़ा ही यूनिक सा लगेगा जब आप इसको पहनेंगे। सेकेंड जो कुर्ता है उसके अंदर भी कुछ आपको ऐसे ही ऑरेंजिश पीचिश कलर मिलेंगे। ये है कुर्ता, इस तरीके से पूरा अनारकली टाइप का कुर्ता है, लंबा सा, और इसमें जो ये वर्क है ना, ये इसको पार्टी वेयर बनाता है। सुंदर सा गोटा पट्टी वगैरह का काम किया गया है, जो कि बड़ा ही प्रिटी लग रहा है। देन यहाँ पे आपको स्लीव्स पे 3/4 स्लीव के साथ ये गोटा पट्टी वगैरह मिल जाता है। अगर आप इसका बॉटम देखोगे ना, तो वो भी काफ़ी हैवी बॉर्डर ऐसे दिया हुआ है। गोटा पट्टी मेन है इसमें, और पूरा जो आपका कुर्ता है वो कुछ ऐसे बड़ा अच्छा लुक आएगा इसको पहनने के बाद। किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। और बहुत ही कंफर्टेबल सिंपल प्लाजो पैंट्स हैं इसके साथ में, और साथ में आपको ये मिलता है कॉटन का दुपट्टा। बड़ा ही प्रिटी, बड़ा ही अच्छा सूट है ये। तो यहाँ पे मेरा सारा तामझाम खत्म होता है जो चीज़ें मैंने अपने लिए ऑर्डर करी हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हस्बैंड के कपड़े। उन्होंने दो टी शर्ट और दो शर्ट्स मंगवाई हैं। तो हर समर की शुरुआत में कुछ टी शर्ट्स होती है ना, जो हम बाय करते हैं, क्योंकि टी शर्ट ना थोड़ा जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। आप बाहर पहनो उनको कुछ बार, उसके बाद फिर वो घर में ही काम आती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने दो टी शर्ट्स ऑर्डर करी हैं। फर्स्ट है ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है, और ये US पोलो ब्रांड की है। तो फर्स्ट टी शर्ट है ये, और सेकंड टी शर्ट है ये भी सेम ब्रांड से ही है, और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। बहुत ही अच्छी टी शर्ट है दोनों, मटेरियल बहुत अच्छा सॉफ्ट है। उसके बाद वाइट शर्ट तो मतलब आती जाती रहती है घर में। वाइट शर्ट आती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, फिर वापस चली जाती है, क्योंकि वाइट ऐसा कलर है ना, हल्का सा भी नेग्लिजेंस है, अगर उसमें इतू सा भी कहीं दाग लग जाए ना, तो फिर वो पहनने की नहीं रह जाती है। तो ये तो मतलब मस्ट है, इसमें कुछ दिखाने वाला भी नहीं है। सिंपल शर्ट है वाइट कलर की, और देखो कितने दिन चलती है ये। उसके बाद एक ये यहाँ पे ये ग्रीन कलर में ये शर्ट मंगवाई है हस्बैंड ने, जो कि ऑलरेडी वो एक बार पहन चुके हैं। ये सिंपल ऐसे शर्ट्स हैं। तो शर्ट में तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता नहीं है, शर्ट है शर्ट जैसी है, बस कलर है, आप लोग देख लीजिए। अगर ये कलर अगर पसंद आता है किसी को, तो वो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसका फैब्रिक कॉटन का है, और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और जो ये वाइट शर्ट है ना, इसका फैब्रिक उससे भी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। तो बस आज की शॉपिंग कुछ इतनी ही थी, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। और मुझे ये दोनों कुर्ते बहुत अच्छे लगे, ये जो शर्ट है ये दी बेस्ट लगी। तो आप लोग इनमें से चेकआउट कर सकते हैं अगर कुछ पसंद आए तो। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कुछ भी पसंद आया है तो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाइए और अपने लिए परचेज कीजिए। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।